हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, सिंस अब देखिए प्रीलिम्स पास आ रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर अब हमें PSIR ऑप्शनल को देखिए अब ऐसे डिस्कस करना चाहिए कि प्रीलिम्स वाले पोर्शन से अब ओवरलैप करे गाइस। तो इसीलिए अब जो आज से जो डिस्कशन स्टार्ट होगी तो वो देखिए हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में जो पेपर 1 में पार्ट बी है विच इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो अब हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है। और जो पेपर 2 की जो वीडियोस है वो भी धीमे धीमे आती रहेगी, जैसे 3 4 दिन में एक बार वो अपलोड हो गई। तो बट जो मेन प्रायोरिटी रहेगी वो गाइस अब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की ओर हमारी ज्यादा रहेगी। इसमें जो अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ फिर आपको पता चलेगा। उससे पहले गाइज आप लोग टेलीग्राम पे प्लीज द PSIR क्लब को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे कोई भी नोटिफिकेशन एक्सेट्रा मुझे देना होता है, PDF अपलोड करनी होती है, तो मैं वहीं पे करता हूँ। तो इन केस यू डोंट मिस एनीथिंग, आप टेलीग्राम पे जाके द PSIR क्लब को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो ये इस गिवन ईमेल आईडी पे अभी आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम 25 दिसंबर विच इज क्रिसमस। तो एक नया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लॉन्च हो रहा है। सो गाइज, अगर आप लोग को उसे ज्वाइन करना है तो प्लीज यूज द कोड द PSIR क्लब एंड 10% डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा। मैंने लिंक्स नीचे जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो चलिए गाइज, देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको देखिए सिलेबस दिखाता हूँ, तब आपको चीजें पता चलेंगी। देखिए तो हम लोग सिलेबस देखते हैं पहले। ये देखिए, ये हमारे पास सिलेबस है। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है। देखिए पेपर 1 पार्ट A में अगर आप लोग वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट देखे तो ये हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने पोलिटिकल आइडियोलॉजीज भी पूरा कर लिया है, मार्क्सिज्म बचा था वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए हम लोगों ने जो आपका डेमोक्रेसी टॉपिक्स है इसको भी पूरा कर लिया है। एंड उसके बाद देखिए हम लोगों ने राइट्स टॉपिक इसको भी पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ये दो 4 टॉपिक है ये हम लोगों ने पूरे अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया पेपर 1 पार्ट A में। उसके बाद पेपर 2 में आए तो देखिए पेपर 2 में जो लोग नए हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा, हमने पार्ट 2 B में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया है, कर लिया है पूरा। फिर उसके बाद हमने इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ को भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। एंड हम लोग ये कर रहे थे कि पेपर नंबर 1 में जो अप्रोचेज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने की उसको अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड उसमें भी हमने 2 स्कूल्स को कर लिए हैं, आइडियलिस्ट एंड आपके रियलिस्ट, इन 2 को हमने बात कर ली है। एंड लिबरलिज्म को भी कवर कर लिया है हमने, ठीक है। अब जो बचता है स्कूल वो आता है आपका मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड आपका सिस्टम थ्योरी। तो इसे भी हम लोग आगे लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। बट अब जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस वो हम देखिए जो आपका पेपर नंबर 1 पार्ट B है विच इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये देखिए। अब इसको देखिए डिस्कस करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में ये पूरा ओवरलैप है। ये देखिए इंडियन नेशनलिज्म, ये आपका है मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3। बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, जुडिशियरी, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, DPSP सब क्या है मेरे भाई, लक्ष्मीकांत, ठीक है। आगे आओ, प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का चैप्टर। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लक्ष्मीकांत का आपका म्युनिसिपैलिटी वाला चैप्टर। स्टैटूरी इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, सब लक्ष्मीकांत में। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रीलिम में भी आप लोग पढ़ेंगे तो भाई ऑप्शनल भी डिस्कस कर लो। फेडरलिज्म देखिए पूरा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, इंडियन पॉलिटिक्स में ये भी आप लोग पढ़ेंगे। पार्टी सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब पढ़ना जरूरी है। तो अब हम गाइज ये वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले, ठीक है गाइज, समझ में आया। सो अब से जो भी लेक्चर्स होंगे आगे वो होंगे गाइज पेपर नंबर 1 पार्ट B के। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए गाइस अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड उसमें से भी पहला जो टॉपिक उठाया जाएगा, क्योंकि अभी भी प्रीलिम थोड़ा सा दूर है, तो पहले मेंस ओरिएंटेड टॉपिक कर लेते हैं। उसमें आपका ये पार्टी सिस्टम को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेशनल एंड रीजनल पार्टी, ये देखिए प्रीलिम में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हम वी विल मूव टूवर्ड्स जो आपका प्रेसिडेंट एक्सेट्रा वाला चैप्टर है उसको तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गई। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। एंड सिलेबस का है ये टॉपिक नंबर 10, ठीक है। उसको हम स्टार्ट करते हैं विच इज कॉल्ड एज पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो पार्टी सिस्टम को हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पार्टी सिस्टम। हाँ गाइज, सो सबसे पहली चीज आपसे यही पूछा जाएगा कि आखिर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को आप मतलब कैसे डिफाइन करोगे, या आप मतलब क्या क्या है बेसिकली पार्टी सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टी का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अगर आप ये देखो। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में एक चीज ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन जनरल स्टडीज में आए तो आप पार्टी में लिखोगे कि पीपल हैविंग कॉमन आइडियोलॉजीज, दे कंटेस्ट द इलेक्शन एक्सेट्रा, ये सब चीजें ठीक है। बट यार
पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, डिफाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज रीजनल पार्टी, व्हाट इज ये पार्टी, यार ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन जब भी आएगा एनालाइज क्वेश्चन आएगा, एनालिसिस ज्यादा करना होगा। यानी यहाँ आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ वेस्ट, समझ लो। तो बिल्कुल देखो ईस्ट और वेस्ट में कंपैरिजन करवा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाट हैज बीन, व्हाट विल बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, समझो। तो आपको पूरा एनालाइज करना है कि पास्ट में क्या था, अभी क्या है, आगे क्या हो सकता है, समझो। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपसे ऐसे 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 पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट, मतलब यूनिकनेस बतानी है आपको, ठीक है। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज स्टिक टू देयर आइडियोलॉजीज, समझो। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, क्या ये क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव हैं या ये सब्जेक्टिव है, बताओ भाई। ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव है मेरे भाई, इसका पर्सपेक्टिव आपको देने, समझो। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको पेपर नंबर 1B में कैसे पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द पर्सपेक्टिव, समझो। ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा डिस्कस द राइज एंड फॉल ऑफ द लेफ्ट इन इंडिया, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस करना है, ठीक है। आपसे कोलिशन गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज द कोलिशन ऑफ इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, समझो। तो इस टाइप से हमें पढ़ना है। तो द अप्रोच विल बी मच मोर एनालिटिकल, समझो। तो ये चीज मेरे भाई ध्यान रखना है, ज्यादा फैक्ट्स पे मत फोकस करना, ठीक है। आप फैक्ट्स पे फोकस करने बैठ जाओ कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या हुआ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई, किसने कितने मेंबर्स थे, ये सब नहीं पढ़ना मेरे भाई, याद रखो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो लक्ष्मीकांत अगर आप फॉलो भी करो, सो ऑलवेज फोकस ऑन एनालिसिस, एंड एनालिसिस वाला पार्ट जनरली लक्ष्मीकांत में लास्ट में दिया होता है, तो लास्ट पार्ट में जहाँ स्कॉलर्स के व्यू होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो पढ़ना देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मीकांत को भी कैसे पढ़ना है, अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ना है, वो मैं अभी आजकल में एक वीडियो बना दूंगा कि लक्ष्मीकांत में कैसे पढ़ना है ये वाला पार्ट को, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो कभी भी अगर आप पढ़ो तो हमेशा एनालिसिस वाले पॉइंट से पढ़ना, ठीक है, ये वाला पोर्शन। एंड एनालिसिस कैसे किया जाता है, एनालिसिस आप नहीं करते, एनालिसिस किया जाता है स्कॉलर के द्वारा, कर दिया गया है, हमें उनकी बातों को टेपना है, ठीक है, कि भाई स्कॉलर्स ने क्या कहा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे इसमें इसमें जैसे इसमें इसमें आपके ये आएंगी कि योगेंद्र यादव एक स्कॉलर है, ठीक है, आम आदमी पार्टी वाले जो पहले थे, ठीक है, फिर उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। तो अब उनका क्या मानना है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज वेल एज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, समझो। तो इस टाइप की लैंग्वेज आपको पॉलिटिकल पार्टीज के क्वेश्चंस में, इस टाइप की लैंग्वेजेस आपको पेपर में लिखनी है मेरे भाई। पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कि आप पॉलिटिकल साइंस में कैसे अलग लिख रहे हो, पहले ये बताओ आप, तब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। एंड लेट अस बिगिन, एंड आप फर्स्ट लिख सकते हो, यू कैन राइट अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन लिख लो आप, ठीक है, पार्टी सिस्टम में इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात किया जाए तो आखिर ये क्या है, तो देखिए ये एक बहुत एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एंड क्या काम करते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई काम तो होता है ना, है ना। तो ये क्या काम करते हैं, तो भाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमारे देश में है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, है ना। अब आप डायरेक्ट, यहाँ हमारे देश में तो डेमोक्रेसी नहीं है कि भाई आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सही है या गलत है, ठीक है, या आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सही है या गलत है, ठीक है, ऐसे तो बनता नहीं है। आपने चुन लिया कि लेट्स से प्रेजेंट गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को आपने चुन लिया, अब प्राइम मिनिस्टर जाके बनाएंगे, सो यू हैव टू फॉलो दैट, समझो। सो हमने अपनी पावर्स को डेलीगेट किया है, किया या नहीं भाई बताओ, हमने अपनी जो लॉ मेकिंग पावर्स है क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज को डेलीगेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप खुद बताओ, आपने अपने यहाँ एमपी को अपनी पावर नहीं देते कि ठीक है सर आप लॉ बनाओ, हमारा आपको सपोर्ट है, तो यही चीज तो है। तो क्या ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं एक्ट कर रहे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एनफोर्स करवा रहे हैं, मेरे भाई बताओ पहले, है ना। सो वी कैन कॉल देम एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये पॉलिटिकल साइंस में लिखना पड़ेगा आपको। अब वो चीज नहीं लिखना पॉलिटिकल साइंस में, इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर बेग फॉर वोट्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट देन मेक द लॉज, ना भाई ना, वो जीएस का आंसर है। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट लिखेगा पॉलिटिकल पार्टी इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट इज एन एसेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, समझो, ऐसे लिखना है,
समझ आ रहा है मेरे भाई डिफरेंस क्या है? ठीक है, पॉलिटिकल, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो क्या कि पॉलिटिकल पार्टी दे परफॉर्म वेरियस रोल्स। ठीक है, अब जैसे क्या क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी मेरे भाई बताओ, जैसे गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, ठीक है, शाबाश, आसान है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी गवर्नमेंट के अलावा जो पार्टी जीतती है वो तो गवर्नमेंट बनाती है और जो हारती है वो ऑपोजिशन बनाती है। ठीक है, ऑपोजिशन बनाती है, फिर उसके बाद क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ही बनाती है? नहीं भाई, आपको पॉलिटिकल अवेयर करती है, ठीक है, कि भाई क्या एजेंडा चल रहा है, क्या देश में चल रहा है, ठीक है, कैसे पॉलिसीज को फ्लॉज है। अब अगर आप देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, कितने लोगों तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, बट जिन लोगों को पता है उनको एक एस्पेक्ट पता है, तो नेगेटिव जो एस्पेक्ट है इनका कि क्या गलत है, क्या विरोध है, तो वो ऑपोजिशन कर रहा है, वो बता रहा है कि देखो भाई इससे माइग्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इससे आपका मुस्लिम्स पीपल जो पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट होते हैं उनको चांस नहीं दिया जा रहा है, जो भी है मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एक टाइप का पूरे पिक्चर रख रही है दोनों दोनों एस्पेक्ट, ठीक है। तो क्या ये लोगों को अवेयर नहीं कर रही? क्या ये लोगों को एजुकेट नहीं कर रही? समझ लो। सिमिलरली देखो उसके बाद क्या हो जाता है, क्या ये लोगों को सोशलाइज नहीं करवा रही? सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। लोग भाई पॉलिटिक्स से सोशलाइज होते हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ, क्या क्या एक बात बताओ, जब से ये इंटरनेट एक्सेट्रा पेनिट्रेशन हुआ है तब से क्या यूथ इंटरेस्टेड नहीं हो गया कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स में? समझ लो, देखो अगर आप लोग जितने भी आजकल प्रोटेस्ट देखो तो क्या ये जितने भी प्रोटेस्ट है क्या ये यूथ ओरिएंटेड नहीं है? समझो। एंड क्या पहले 2000 2005 में आप ऐसा देखते थे? नहीं यार, जब से नेट का पेनिट्रेशन हुआ है, जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, तो इससे क्या होने लग गया, सोशलाइज हो रहे हैं। तो सिमिलरली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके माध्यम से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो रहा है भाई, आसान है या नहीं पहले ये बताओ, ठीक है। सिमिलरली क्या ये लोग पॉलिटिक्स को अब मॉडर्नाइज नहीं कर रहे? क्या हम लोग पहले से ज्यादा अब पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है कि पहले तो बस सिर्फ पैम्पलेट आता था, ठीक है, एंड हो जाता था, बट आप देखो मेरे भाई आज भाई डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, एक एक पॉइंट पे लड़ाई हो जा रही है, ठीक है। आज जो सरकार की रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, उसको देखो क्या करती है, उसको अपोजिशन पार्टी लेके जाती हैं और वापस वेरीफाई करती हैं कि देखो भाई ये तो सही हुआ ही नहीं है। अब आप देखो अभी रिसेंटली जैसे मैं अभी न्यूज़ देख रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एंड उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली का गवर्नमेंट, दिल्ली जो वाटर है, दिल्ली का पानी है वो बहुत गंदा है, ऐसा कुछ कुछ करके आई थी, ठीक है। अब इस पे कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, अब भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ले गए, ठीक है, रिपोर्टर्स के साथ कि चलो चलते हैं एंड उन उन घरों में जा जाके टेस्ट करते हैं जिनका नाम दिया है। तो वहाँ टेस्ट किया तो कुछ टेस्ट पाए गए कि भाई वो तो फेक थे, मतलब इस टाइप की मतलब पॉलिटिक्स हो गई थी, ठीक है। फिर कुछ टेस्ट सही नहीं थे, कुछ टेस्ट सही थे, मतलब समझो। तो ये देखो क्या मॉडर्नाइज नहीं हो गया पॉलिटिकल प्रोसेस? पहले तो जो सरकार ने बोला वो मान लिया होता था, बट अब देखो क्या पॉलिटिकल पार्टीज हमें और ज्यादा एस्पेक्ट्स नहीं दिखा रही है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होगी, डिफरेंट वो होगा, ठीक है, समझो। तो फिर उसके बाद देखिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरेस्ट है उनको एग्रीगेट नहीं कर रही? बताओ, क्या लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जा रहा, ठीक है, समझो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आम आदमी पार्टी, अभी हम इनको पढ़ेंगे, तो इट इज कंसिडर्ड एज द पार्टी ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है, एंड मिडिल एंड लोअर क्लास, समझ लो, ठीक है। तो ये एक ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन के प्रोडक्ट है। सिमिलरली जो कांग्रेस जैसे पहले पार्टी थी, ठीक है, इनिशियल डेज में कांग्रेस वॉज कंसिडर्ड टू बी पार्टी ऑफ ऑल, ठीक है, हर हर उसके लिए, हर हर वर्ग के लिए कांग्रेस में कुछ ना कुछ था, ठीक है, एक बहुत ही अम्ब्रेला कोलेशन था, अभी हम ये पढ़ेंगे। बट फिर धीमे धीमे माइनॉरिटी की पार्टी हो गई एंड अभी देखो जो इनका बेस है वो शिफ्ट कर रहा है आपका अदर पॉलिटिकल पार्टीज पे, जैसे आपका बीजेपी हो गया, ठीक है, आप हो गया, ठीक है, इस टाइप में शिफ्ट कर रहा है। तो क्या ये मेरा ये कहने का मतलब है, क्या पार्टीज एग्रीगेट नहीं कर रही है इंटरेस्ट को? बताओ मेरे भाई, आसान है या नहीं? आसान है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या रोल्स लिखते हैं तो आप बता दोगे, सबसे पहले दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑपोजिशन, दे हेल्प इन पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल एजुकेशन, दे हेल्प इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, दे हेल्प इन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, दे हेल्प इन इंटरेस्ट एग्रीगेशन, समझो। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग स्कॉलर्स का व्यू समझते हैं, तो लास्की, ठीक है, लास्की का क्या मानना है, पहले स्कॉलर आप नोट कर सकते हैं, लास्की का देखो मानना है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये देखो मेरे भाई एसेंशियल है, ये एसेंशियल है बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। इनका मानना है कि भाई डेमोक्रेसी कैन नॉट सस्टेन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। बट जबकि अपनी तरफ है भाई अपने गांधी जी, ठीक है, अपने जेपी नारायण, ठीक है, जो आपका टोटल रेवोल्यूशन में थे इंदिरा गांधी जी के टाइम में, ठीक है, जेपी नारायण जी, ठीक है, फिर उसके बाद एम एन रॉय, ठीक
ठीक है, अब ये लोग क्या मानते हैं, ये लोग क्या मानते हैं कि भाई डेमोक्रेसी शुड बी पार्टीलेस, डेमोक्रेसी शुड बी पार्टीलेस। एंड गांधी जी तो इतने ज्यादा क्रिटिक थे कि भाई उन्होंने कह दिया कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो समझो, सो ऐसे स्कॉलर्स मानते हैं, ऐसे जो फिलोसफर्स हैं वो मानते हैं कि नहीं भाई, देर इज नो नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टी एंड वी कैन प्रमोट पॉलिटिकल पार्टी लेस डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आप लिख देना। अब जो क्वेश्चन ये आता है आफ्टर डिस्कशन डिस्कशन द पार्टी सिस्टम, अब देखिए जो क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि व्हाट इज पार्टी सिस्टम, क्या आखिर पार्टी सिस्टम क्या है, ठीक है। एक हो गया पार्टी हमने पढ़ा, अब भाई सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, को देखो सिस्टम है तो उसका मतलब बहुत सारे प्लेयर्स तो होंगे उसके अंदर, तो बस यही चीज है। तो पार्टी सिस्टम क्या होता है कि पहली बात इसके अंदर क्या होगा पार्टी सिस्टम में कि नंबर ऑफ प्लेयर्स तो होंगे, ठीक है। बट पार्टी सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि आपके यहाँ तीन चार पॉलिटिकल पार्टी है। जनरली अगर किसी से भी पूछोगे कि सर पार्टी सिस्टम क्या है, तो भाई एक आम इंसान बोल देगा कि सर इट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज। बट ये थोड़ी नैरो डेफिनेशन, मतलब देखो गलत तो नहीं है, गलत तो टेक्निकली तो गलत नहीं है भाई, सही तो बोला, तीन चार पार्टी मिला के एक सिस्टम बना दिया, बट ये बहुत नैरो डेफिनेशन है, ठीक है। एंड ये पॉलिटिकल साइंस में ये नहीं मानी जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में पार्टी सिस्टम को ऐसे देखा जाता है कि आके ठीक है मेरे भाई ये पांच छह पार्टियां हैं, ये बताओ रेलिवेंस कितनी है, ठीक है, ये बताओ रेलिवेंट कितनी है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहां तो सिर्फ दो ही रेलिवेंट दिख रही है, समझ लो, तो यानी इट इज अ टू पार्टी सिस्टम, समझ लो। सो ये चीज ध्यान रखना कि पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टीज, बट इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टीज हैविंग सिस्टमैटिक रेलिवेंस, समझो। सो सिस्टमैटिक रेलेवेंस बहुत ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान। एंड मेरे भाई ये चीज याद रखना, जो मैंने लाइन बोली है ये इन्होंने बोली है, जीवोनी, ठीक है, जीवोनी सरतोरी, ठीक है, इनके इनकी इनकी ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो कभी भी पार्टी सिस्टम का आए तो लिखना अकॉर्डिंग टू जीवोनी सरतोरी द इटालियन पोलिटिकल साइंटिस्ट, पार्टी सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टीज बट इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टीज हैविंग सिस्टमैटिक रेलेवेंस, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखना। तो ये डेफिनेशन किसकी है मेरे भाई, बताओ, ये डेफिनेशन है आपकी सरतोरी की, ठीक है, सरतोरी, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनकी इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दो भाई, आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, मतलब आप कह रहे हो सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से ज्यादा मजा आएगा, तो देखो एग्जाम्पल में हम आपको मजे करवाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप लोग इंडिपेंडेंस के जज्बात की बात करो, भारत आजाद होता है 1947 में, ठीक है, एंड लगभग 1950s तक होते हैं हमारे यहाँ फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है, 50-52 में जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब उस टाइम क्या हुआ, क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, तो इसका आंसर है नहीं, हमारे देश में उस टाइम पार्टीज बनना स्टार्ट हो गई थी। एंड उस टाइम देखिए आपकी लेनिन वो लेफ्ट पार्टीज भी थी, ठीक है, आपकी उस टाइम कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी थी जिन्होंने सोचा आजमाया जाए, ठीक है। बट स्टिल उस टाइम जो हमारा सिस्टम था वो कभी भी मल्टीपल पार्टी सिस्टम नहीं बोला जा सकता, बताओ क्यों, क्योंकि उस टाइम भाई सिर्फ एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, ठीक है, वन पार्टी वॉज डोमिनेटिंग, एंड इसीलिए ऐसे सिस्टम को बोला जाता है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इट इज टर्म्ड एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। एंड ये जो टर्म भी कॉइन किया गया है, ये टर्म भी कॉइन किया जाता है, उनका नाम है मॉरिस जोन्स, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दिस टर्म इज कॉइंड बाय मॉरिस जोन्स, ठीक है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि वन पार्टी सिस्टम वो होता है कि भाई जहां पे देयर आर मल्टीपल पार्टीज बट उनकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज ऑलमोस्ट जीरो, समझो। तो लेफ्ट के आप देखो कितनी सीट्स थी, हार्डली नहीं थी यार, ठीक है, समझो। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि आखिर व्हाट आर द यूनिक फीचर्स, ठीक है, ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में के बारे में बताओ भाई, यूनिक फीचर्स एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द वेस्ट, ठीक है। अब आपको इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेयर करना है, उनको कंट्रास्ट करना है, ठीक है, एंड आपको यूनिक फीचर बताने कि आखिर ऐसी क्या चीज है भाई जो इंडिया में मिलती है एंड वेस्ट की पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं मिलती, समझ लो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, बताओ आ गया। तो सबसे पहले देखिए अब जो फीचर्स हम बताएंगे वो आपको खुद नहीं बताने, और अगर आपको देखिए मेरा ये कहने का मतलब है, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल यूनिक फीचर बताता हूँ कि भाई आप भी जानते हो कि क्या हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी को कंसिडर करती है, नहीं, तो आप बोलोगे नहीं सर आइडियोलॉजी तो कोई तेल लेनी, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख लो जम्मू कश्मीर में कंप्लीटली जो आपका पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था
भाई दोनों उल्टी बातें करते हैं, बिल्कुल उल्टी बातें, बट भाई सरकार बनाई, ठीक है। सिमिलरली आप देख लो, आपका हरियाणा में हुआ, ठीक है, और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई, कांग्रेस शिवसेना, ठीक है, कैसे जुड़ गए यार ये लोग, बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो क्या ही अपनी आइडियोलॉजी केयर करते नहीं। तो आप बोल सकते हो सर द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज दैट दे डोंट गिव अ डैश अबाउट आइडियोलॉजी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। बट अगर आप सिर्फ ऐसे लिखाओगे तो भाई ये आपका जनरल स्टडीज का आंसर हो जाएगा। तो अब इसको आपको लिखना पड़ेगा स्कॉलर कि ये बात बोली तो बोली किसने, सबसे पहली बार किसने बोली। तो सबसे पहली बार ये बात बोली जोया हसन ने। तो अब आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू जोया हसन, ठीक है। एंड इन्होंने बोला कि भाई देखो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में बहुत सारे यूनिक फीचर है, एंड उन यूनिक फीचर को अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलो भाई सबसे पहले स्टार्ट होता है कि भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दे हैव नो कंसर्न फॉर आइडियोलॉजी, नो कंसर्न फॉर आइडियोलॉजी। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल ना देखो, जब भी मेरे भाई ना आप लिखो, आपको ये अलाउड है कि आप उसको, उस सब्सटेंस को, उस सेंटेंस को बैक कर सकते हो इफ यू हैव। तो अब जैसे नो कंसर्न फॉर आइडियोलॉजी, सिंपल आप लिख देना कि आप ये कह सकते हो बस यहाँ पे पीडीपी, ठीक है, प्लस जेके, अरे जेके बोल रहा हूँ, बीजेपी, बीजेपी अलायंस इन जेके, बस आप ये लिख के आगे बढ़ जाना, एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ भाई ये बंदा उस्ताद है, ठीक है, ठीक है, सिंपल। महाराष्ट्र में अब बस, ठीक है, इन जेके, बस ये लिख देना। उसके बाद लिख देना, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, अगर ये नाम रह जाए तो बस, जिसमें क्या है भाई, कांग्रेस है, ठीक है, शिवसेना है, ठीक है, एंड तीसरी कौन है यार, वो शरद पवार की पार्टी, ठीक है, सीपीआई है, ठीक है, शायद शायद, ठीक है, नहीं, सॉरी एनसीपी, सॉरी एनसीपी, ठीक है, एनसीपी, ठीक है। तो इन तीन का लाइन्स, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, ये आइडियोलॉजी बिल्कुल उल्टी हुई है, ठीक है। सो दे हैव नो कंसर्न फॉर आइडियोलॉजी, ठीक है। एंड अब जो फिनोमना आ गया है, वो है भाई कैच ऑल पार्टी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई हर पार्टी क्या कोशिश करती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंदर रखा जाए, एंड अपने अंदर इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि भाई अपनी स्टेबिलिटी बढ़े, ठीक है, ज्यादा वोट्स मिले, ज्यादा वो हो, ठीक है। तो नाउ देर इज अ फिनोमना ऑफ कैच ऑल पार्टीज। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि वॉट इज अ कैच ऑल पार्टी, ठीक है, ये आपको बताना पड़े। तो कैच ऑल पार्टी का मतलब यही है कि नो कंसर्न फॉर आइडियोलॉजी, दे वॉन्ट टू कवर द मैक्सिमम ऑडियंस, दे वॉन्ट टू कवर द मैक्सिमम वोट्स, ठीक है, दे वॉन्ट टू इन्वॉल्व मैक्सिमम पीपल सो दैट दे कैन प्रोवाइड द मैक्सिमम गवर्नमेंट, समझ, स्टेबल गवर्नमेंट, समझो। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, अभी बीजेपी इकलौते बेस पे, फाइव नॉट रॉन्ग, 300+ सीट्स हैं सिर्फ बीजेपी की। तो अगर अभी उनके अलाइज उनको धोखा दे भी दे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो धोखा, क्या जा रहा है, दे दोगे तो अभी तुम सरकार नहीं गिरा सकते, ठीक है, जैसे शिवसेना ने धोखा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इनके पास अपने बेस पे है। बट जनरली क्या होता है, अगर बीजेपी की लेट से 250 कुछ सीट्स आती, तो अब भाई अलाइज चाहिए होता है कि, और तो 20 अगर और है, 272 का आंकड़ा पार करना है, तो 20 तो चलो ले लिया तुमने यहाँ से, अब तो ये कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम को मिलाया जाए, 30 और ले लो, 40 और ले लो, जिससे कि किसी भी तरीके से 350 400 तक पहुँचा जाए, ताकि इतने लोग का जब सपोर्ट होगा तो अगर एक दो जने लोग घुटिया भी मार दें, एक दो जने लोग बैक स्टैप भी कर दें, तो भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फिनोमेना है, इससे स्टेबिलिटी आती है। अब याद, अब आपको समझ में आया कि वाई दे गो फॉर कैच ऑल, समझो, सबको लाओ भाई, जितने हैं जो, इसीलिए देखो आप पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, और ये होता ही है। अगर आप देखो जस्ट पॉलिटिकल किसी भी कभी भी इलेक्शन से पहले देखना, इस पार्टी के लोग उस पार्टी में आते, उस पार्टी के लोग इस पार्टी में आते हैं, ठीक है, कितनी कितनी बार लोग पार्टी पलटते हैं, समझो। सो ये सब मेथड क्या है, ये सब मेथड है भाई किसी भी तरीके से कैच ऑल करो, ठीक है, आइडियोलॉजी गई तेल लेने, ठीक है, ये चीज अब आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड भाई देखिए, अब जो है पॉलिसी ओरिएंटेड तो नहीं है, इंडियन पार्टीज आर नो मोर पॉलिसी पॉलिसी ओरिएंटेड, एंड इंस्टेड दे आर ऑफिस ओरिएंटेड, दे आर ऑफिस ओरिएंटेड। ऑफिस ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से भाई सीएम, किसी भी तरीके से भाई पीएम, किसी भी तरीके से मिनिस्टर, किसी भी तरीके से मतलब ऑफिस को पाया जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसका आप अगेन बेस्ट एग्जांपल देख लो, अभी जो रिसेंटली क्या हुआ था आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र रिसेंट महाराष्ट्र एग्जाम्पल, बस आप ये लिख दोगे भाई एग्जामिनर समझ जाएगा चक्कू लौंडे हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो ठीक है कि भाई किसी भी तरीके से बस हमको चाहिए ऑफिस, ठीक है, पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है, पॉलिसी से वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है। और पॉलिसी अब क्या बन गई है, अब बन गई है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है, यही चीज़ समझो। तो ये बस दिखावा होता है, असली चीज़ है भाई कैसे भी करके हमें ऑफिस चाहिए, ठीक है, ऑफिस के लिए आइडियोलॉजी को छोड़ दिया जाएगा, ऑफिस के लिए पॉलिसी को छोड़ दिया जाएगा, ऑफिस के लिए कोलिशन पार्टनर्स को छोड़ दिया जाएगा, समझ ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है भाई, अब देखो, अब जो
और थर्ड जो यूनिक फीचर है जो जोया हसन बताती हैं कि भाई देखो पहले के ज़माने में अच्छा खासा पीपल से कनेक्ट होता था पॉलिटिकल पार्टी में, बट अब क्या हो चुका है, अब देयर इज़ अ डिसकनेक्ट बिटवीन पीपल एंड पार्टी. ठीक है, पीपल एंड पार्टीज के बीच में ग्राउंड रूट पे अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है. ठीक है, एंड अब देखिए जो इलेक्शन है वो इट हैज़ रिड्यूस टू मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी कल्ट. ठीक है, विच इज रिड्यूस टू पर्सनैलिटी कल्ट. सो अब जो इलेक्शन है गाइज वो पर्सनैलिटी कल्ट पे ज़्यादा चलता है. तो अब देखिए क्या होता है कि जो जितने भी आपके जो MPs MLAs हैं वो सीधे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इनके नाम पे ही वोट्स मांगते हैं. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, अब जो पार्टीज और पीपल के बीच में एक टाइप का डिस्कनेक्ट हो गया है. ठीक है, तो इस टाइप से ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब जो फीचर है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का वो ये भी है. तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब देखिए डिस्कनेक्ट तो हो गया पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टीज में. तो अब ये जो डिसकनेक्शन हो गया है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने किससे कनेक्शन बना लिया, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने बेसिकली लोगों से ब्रेकअप करके नई गर्लफ्रेंड बना ली. ठीक है, एंड नई गर्लफ्रेंड जो उन्होंने बनाई है उसका नाम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड. यानी अब पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा कनेक्शन दिखता है किससे, कॉर्पोरेट ग्रुप ग्रुप से. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. एंड दिस इज इवन ट्रू, दिस इज इवन ट्रू फॉर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, जो आपकी सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनका तो एजेंडा होता है दीज गाइज आर प्रो पुअर. ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं सोशलिज्म कम्युनिज्म में. बट ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी कॉर्पोरेट ग्रुप से अब क्या करते हैं, कनेक्शन दिखने को मिलता है. तो देर इज अ नेक्सस, ग्रोइंग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द एंड कॉर्पोरेट ग्रुप्स. ठीक है, एंड इसका अगर आपको रीजन पूछा जाए तो वही बात है भाई, चंदा मिलता है इलेक्शन में. ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्शन ये लोग जीतते हैं. क्योंकि अब भाई जो इंडियन इलेक्शन है दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, वो हाईएस्ट पेड इलेक्शन होता है इन पूरे वर्ल्ड में. जितना खर्चा किया जाता है, कितनी सारी रिपोर्ट्स आती है. ठीक है, तो आप समझ लो तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए. ठीक है, इतना सारा एडवर्टीजमेंट होता है, इतना ज़्यादा फिर और इलीगल एक्टिविटीज चलती है आपके, अल्कोहल और ये सब चीज़ें, गिफ्ट विफ्ट एक्सेट्रा दिए जाते हैं. ठीक है, वोट खरीदे जाते हैं पैसा दे दे के. ठीक है, जनता बढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, तो इन सब में बहुत पैसा होता है, खर्च होता है. तो अब इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भाई अगर इलेक्शन जीतना है तो बिना पैसे के देखिए इलेक्शन नहीं जीता जा सकता. ठीक है, स्पेशली इंडिया में तो नहीं जीता जा सकता. तो क्या है कि देर इज अ ग्रेटर कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉर्पोरेट ग्रुप्स. ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक और फीचर है जो ये बताती है कि जो पांचवा फीचर है, ये कहते हैं कि भाई देखो जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है उसके नेम भी बहुत सारे यूनिक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका AIDMK. ठीक है, AIDMK, समझो AIADMK. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हो गई जो साउथ की स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं. ठीक है, उनके अजीब अजीब से नोमेनक्लेचर रखते हैं, मतलब बहुत ही यूनिक टाइप के होते हैं. ठीक है, अब उनके हिसाब से वहां सही है. ठीक है, बट अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वो नहीं होते. जबकि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज को देखा जाए तो वेस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज में लेबर पार्टी, डेमोक्रेट्स, इस टाइप के शॉर्ट नेम्स होते हैं. समझो एक लाइन में ही हो गया नाम. ठीक है, आप AIADMK का फुल फॉर्म देखो, इतना लंबा एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है. समझो, तो ये नो यूनिक फीचर है, अपने इंडिया में ही मिलेगा. ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा. फिर उसके बाद देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा एजेंडा, ग्रैंड डिजाइन नहीं है. ठीक है, मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी बोलती तो है कि भाई डेवलपमेंट डेवलपमेंट है, बट स्टिल कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है. ठीक है, एंड लार्जर पिक्चर पे वो लोग नहीं सोचते. बेसिकली ग्रैंड डिजाइन का मतलब होता है आपको बड़े लेवल पे देखना, नहीं छोटे लेवल पे देखते हैं, छोटा इलेक्शन जीतना है कैसे भी करके. ठीक है, छोटे छोटे पे ज्यादा बात होती है. तो द ऑल द पार्टीज दे लैक अ ग्रैंड डिजाइन. तो इस तरीके से आप 6-7 फीचर्स जो यूनिक है, जो आपके किसने दिए मेरे भाई बताओ, जोया हसन ने. ठीक है, जोया हसन ने ये फीचर्स दिए, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, यूनिक पॉलिटिकल जो फीचर्स है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के. ठीक है, अब देखिए अब और आगे स्कॉलर्स क्या बोलते हैं. तो सिमिलरली एक स्कॉलर है जिनका नाम है पॉल ब्रास. ठीक है, उनका भी आप व्यूज लिख सकते हैं. तो पॉल ब्रास क्या बोलते हैं कि देखो भाई इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे आपको पैराडॉक्सियल फीचर्स दिखेंगे. पैराडॉक्सियल का मतलब आप देख सकते हो कॉन्ट्रडिक्टिंग फीचर्स. ठीक है, कि एक पैराडॉक्स है. ठीक है, पैराडॉक्सियल फीचर्स दिखेंगे. ठीक है, ठीक है, अब कैसे देखो, तो पॉल ब्रास कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है दीज आर प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, ये है प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन से मैंने पूछा कैसे, मतलब आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये बेसिकली कहते हैं कि भाई जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है वो ब्लेंड है. देयर इज अ ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न ब्यूरोक्रेटिक कल्चर. ठीक है, एक तरफ आपको वेस्टर्न ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसका आपको एक एक
एलिमेंट दिखेगा इसमें, ठीक है, एज वेल एज जो इंडिया में इंडिजिनियस आपकी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस है उसका भी आपको एक ब्लेंड मिलेगा, ठीक है, इंडिया इंडिजिनियस आपके पॉलिटिकल जो प्रैक्टिसेस है उसका भी आपको एक ब्लेंड मिलेगा। तो इसीलिए जो आपकी बहुत सारे पैराडॉक्सियल आपको फीचर्स दिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, ये पॉल ब्रास ये भी कहते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पे भाई इंटर जो आपके इंटर इंट्रा पार्टी सॉरी पार्टी के अंदर, पार्टी के अंडर इंट्रा पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो मिसिंग है, ठीक है, तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इज मिसिंग, ऐसा बोलना है भाई आपका, आपका पॉल ब्रास जी का, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू व्यूज ऑफ पॉल ब्रास आप एक दो पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हैं, ये बहुत सारे पैराडॉक्सियल फीचर्स हैं, दे लैक इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, फिर दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेस्टर्न ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एज वेल एज इंडियन इंडिजीनियस पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। तो इस टाइप से आप एक दो पॉइंट बेसिकली याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है भाई हमारे योगी भाई योगेंद्र यादव, इनका क्या व्यूज है। तो योगेंद्र यादव याद है वही है भाई आम आदमी पार्टी वाले, जिनको नहीं पता है, ठीक है, फिर इनको इनके पार्टी से फिर निकाल दिया गया था, फिर इन्होंने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी शायद बनाई थी जो कि फ्लॉप हो गई थी, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो भी कह लो, प्रोफेसर एक्सेट्रा जो भी कह लो, ठीक है। एंड इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है इस समय, ठीक है, दे आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, दे आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज वेल एज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, मतलब ये समझ में आया नहीं, ये नहीं आया, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि देखो एक तरफ क्या हो रहा है, उनकी जो रीच है वो फैल रही है, उनकी जो रीच है इट इज गेटिंग स्प्रेडिंग, ठीक है, इट इज गेटिंग स्प्रेड, ठीक है, ये चीज बढ़ रही है, बट जो उनकी डेप्थ है, जो उनकी डेप्थ है लोगों से ज्यादा मतलब कनेक्ट करना वो मिस हो रहा है, समझ लो। तो जैसे आप ये कह सकते हो पहले 100 लोग तक पॉलिटिकल पार्टीज पहुंचती थी, बट 100 लोग से अच्छे से इनके व्यूज सुने जाते थे, डिस्कशन होता था, ये वो नहीं है। अब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एम करती है हम 1000 लोग तक पहुंचा जाए, बस एक एक मिनट के लिए हो, समझो। सो उतने इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होता, उतने इन डेप्थ व्यूज नहीं सुने जाते, बट सबकी एक एक बात बात को छू लिया जाता है, समझो। सो एक तरफ क्या हो रहा है, इनकी इंक्रीज यानी उनकी जो आप कह सकते हो विथ है, ठीक है, उनकी जो विथ या ब्रेथ कह लो वो चीज तो बढ़ रही है, बट जो डेप्थ है वो उतनी नहीं बढ़ रही, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस उनको उनको किसी भी तरीके से बस एक टाइप का बस वोट चाहिए बेसिकली, वो ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो अब क्या हो रहा है कि पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह थी, हमने डिस्कस किया कैसे कि भाई वो आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला रही हैं, फिर वो आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करवा रही हैं, ठीक है, फिर वो उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दे रही हैं, तो हर टाइप के एक इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क कर रही थी। बट अब क्या हो रहा है, अब भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नाउ इट्स ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ वोटिंग, कि किसी भी तरीके से भाई वोट पड़वाया जाए लोगों से, अल्टीमेट चीज है पॉलिटिकल पार्टी का एम है, ठीक है, कि भाई वोट पड़वाया जाए जबरदस्त, ठीक है। तो अब जो चीज है यो वोटिंग पे ज्यादा फोकस है, एंड इट हैज ओवरलुक्ड द ब्रॉडर एजेंडा ऑफ द ब्रॉडर एजेंडा ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन एंड नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरफ तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड साथ ही साथ ये डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी आप ग्रेटर स्ट्रेस दे रहे हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने जो इंडियन पोलिटिकल पार्टीज है उसके यूनिक फीचर्स को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया, ठीक है गाइस। सो इसमें एक बार दोबारा अगर रिवाइज करा जाए स्कॉलर्स के नाम, नाम तो आप लोग याद रख लोगे। पहला नाम हमने पढ़ा भाई जोया हसन का, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो नाम पढ़ा वो पॉल ब्रास का, ठीक है, एंड उसके बाद जो हमने तीसरा जो नाम पढ़ा वो पढ़ा हमने योगेंद्र यादव का, योगेंद्र यादव का। तो प्लीज गाइस ये नाम प्लीज 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 5-6 बार और लगा लो, याद रखना, ठीक है। एंड उससे पहले हमने देखा था लास्की जो पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में है, जबकि गांधी जी, जेपी नारायण एंड MN रॉय ये सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज के डिसफेवर में, दे डोंट फेवर द पॉलिटिकल पार्टीज। सो इस तरीके से हमने ये वीडियो को गाइस यहीं पे रोकता हूं, ठीक है। अब जो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट ऑफ विट कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। अब हम लोग जो पार्टी सिस्टम है उसको अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करना करेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम को। सो थैंक यू गाइस, एंड मैं आज एक 5 PM पे क्लास भी कंडक्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी पे, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप लोग एनालिसिस करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का, डिकोड करना चाहते हैं, रेफरेंस मटेरियल जानना चाहते हैं, कैसे पढ़ना है इसको भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज गाइस डू डू मीट मी देयर, ठीक है, मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा। सो टिल देन गाइस,
टेक केयर, बाय बाय।